न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं के ग्रुप G23 की बढ़ती सक्रियता के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधी परिवार के लिए नेताओं को एकजुट करने में जुटे हैं। गहलोत ने जयपुर में बैठकर पिछले एक सप्ताह में टेलीफोन पर वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साधा है। वो अब भी लगातार अलग अलग राज्यों के नेताओं से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। गांधी परिवार के विश्वस्तों में शामिल गहलोत ग्रुप G23 में शामिल नेताओं से संपर्क में है। उनका प्रयास है कि पार्टी के नेता गांधी परिवार के प्रति आस्था बरकरार रखें और कांग्रेस को पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव में बढ़त दिलाने को लेकर एकजुट होकर प्रयास करें। वो पार्टी नेतृत्व और G23 के नेताओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका अदा कर रहे हैं। गहलोत कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के साथ ही पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं से लगातार बात कर पार्टी का आंतरिक मामला अंदर ही सुलझाने का सुझाव दे रहे हैं। G23 में शामिल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक और गुलाम नबी आजाद से गहलोत के गहरे संबंध हैं। प्रदेश की राजनीति में इन तीनों ही नेताओं ने गहलोत की मदद की है। 2018 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में जब सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद को लेकर मजबूत तरह से अपनी दावेदारी जता रहे थे, तब स्वर्गीय अहमद पटेल के अलावा इन नेताओं ने गहलोत की मदद की थी। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रघुबीर मीणा भी गहलोत के साथ पार्टी नेताओं के संपर्क में हैं। वो भी दूसरी पंक्ति के नेताओं से बातचीत में जुटे हैं। मीणा लगातार दिल्ली जाकर दूसरी पंक्ति के नेताओं से बात कर रहे हैं। गहलोत के दिशा निर्देशन में मीणा राज्यवार नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। उधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी नेतृत्व ने राज्य की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए गहलोत को फ्री हैंड दे दिया है। 4 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव अभियान तक की जिम्मेदारी अशोक गहलोत के अनुसार ही चलेगी। राजस्थान की राजनीति में पिछले 2.25 साल से लगातार गहलोत के सामने राजनीतिक रूप से मुसीबत बनकर खड़े सचिन पायलट लगातार अपनी ताकत दिखाते नजर आ रहे हैं। पायलट खेमे से लगातार विधायक जुड़ रहे हैं। पिछले दिनों में गहलोत खेमे के 2 विधायक पायलट के साथ जुड़े। ये दोनों विधायक पायलट के किसान महापंचायत में शामिल हुए। अब तक पायलट को संगठनात्मक मामलों से दूर रखने वाले अशोक गहलोत पिछले दिनों खुद अपने साथ हेलीकॉप्टर में उपचुनाव वाले क्षेत्रों में लेकर गए। सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व की पहल पर विधानसभा के बजट सत्र और उपचुनाव के बाद पायलट खेमे के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने और राजनीतिक नियुक्तियों में जगह देने पर सहमति भी बन गई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।